आज हम बनाएंगे परवल की एक बेहतरीन सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये आपके लंच बॉक्सेस टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे परवल फ्राई जो थोड़े अलग तरीके से बनती है। इसे सबसे पहले मैरिनेट करते हैं, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप पहले से करके रखते हैं तो नेक्स्ट डे भी इसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम परवल चाहिए, जिसे मैंने अच्छी तरह से वाश करके काट लिया है। तो इसे दो टुकड़ों में काट लिया मैंने। सबसे पहले इसके स्किन को स्क्रैच करेंगे। दो टुकड़ों में काटने के बाद दोनों टुकड़ों को थोड़ा सा स्लेट करेंगे। तो एक परवल मैंने रखा है दिखाने के लिए आपको किस तरीके से आपको काटना है। तो नाइफ को उल्टा कर लीजिए और इसे इस तरीके से स्क्रैच कीजिए। अगर आप ये काम पीलर से करेंगे तो पूरी तरह से स्किन बाहर आ जाएगा। तो आप थोड़े ध्यान से इस तरह से स्क्रैच कीजिएगा, क्योंकि नाइफ उल्टा है। स्क्रैच करने के बाद दोनों ऊपर नीचे के हिस्से को हटा दीजिए और दो टुकड़ों में काटने के बाद दोनों टुकड़ों में इस तरह से स्लेट लगा लीजिए। तो इसी तरीके से हमें सारे परवल को काट के तैयार कर लेने हैं। तो अब इसे मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमें लहसुन चाहिए। तो एक काट पूरा लहसुन का ले लीजिएगा। उसे छीलने के बाद आप उसे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लीजिए। अब डालेंगे इसमें सारे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, 1/4 छोटी चम्मच। साथ ही डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। 1/2 छोटी चम्मच के लगभग ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच के करीब। बस इतने ही मसाले इसमें ऐड होंगे। अब डाल दीजिए नमक स्वाद के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। अब सबको अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे। तो नमक हमने ऐड कर दिया है, फिर हम इसे मिलाने के बाद ढकेंगे। तो इससे ये मॉइस्चर रिलीज करेगा, तो इससे परवल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। काफ़ी सॉफ्ट बन के निकलते हैं, अंदर से जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे आपने गार्लिक में मसाले लिपटे हुए देखे, काफ़ी ड्राई है, लेकिन बाद में आप देखिएगा कि ये कितना सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ मिक्स कर लिया मैंने, कवर कर देते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। आप ऊपर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मॉइस्चर इसने रिलीज़ किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बेस में इसने कितना मॉइस्चर रिलीज़ किया है और गार्लिक भी सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर से इसे अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे तैयार है ये फ्राई होने के लिए। तो पैन गरम किया मैंने, ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून तेल। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच रखिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम परवल को ऐड कर देंगे, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। तो परवल को ऐड करने के बाद जस्ट इसे एक बार स्टर कर दीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे कवर करेंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये पूरी तरह से अपना मॉइस्चर रिलीज़ करे। उसके बाद हम इसे बिना ढके ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लिया मैंने, अब कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिए और जस्ट इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर रखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है। तो इसने जितना भी मॉइस्चर रिलीज़ किया, अब इसे हमें ड्राई करना है। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई के बीच कर दिया है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक कि परवल के ऊपर मसाले की कोटिंग ना आ जाए और ये पूरी तरह से फ्राई ना हो जाए। तो बस इसे अब हमें फ्राई करना है, जिसमें आपको 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो रहे हैं। और ये देखिए पूरी तरह से तेल भी अब्सॉर्ब कर लिया इसने और ड्राई होते जा रहे हैं, मसाले की कोटिंग होती जा रही है इनके ऊपर। और ये जो लहसुन है, जब ये भुन जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग परवल फ्राई होके तैयार है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हमारा परवल फ्राई बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप मैरिनेट करके रात भर के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, लंच बॉक्सेस के लिए अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।